उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के कड़ाधाम कोतवाली क्षेत्र में बीती रात कानपुर के बिकरू कांड जैसी वारदात को अंजाम दिया गया, जहां आरोपी को पकड़ने के लिए दबिश देने गई पुलिस की टीम पर आरोपी की मां समेत गांव की ही कई महिलाओं ने ईंट पत्थर व लाठी डंडे से हमला बोल दिया। इस हमले में सब इंस्पेक्टर और सिपाही को गंभीर चोटें आई हैं। साथ ही हमलावरों ने सब इंस्पेक्टर की सर्विस रिवॉल्वर व उनका मोबाइल भी छीन लिया। जैसे तैसे दोनों पुलिसकर्मी ने मौके से भागकर अपनी जान बचाई। वहीं पुलिस अधीक्षक का कहना है कि सब इंस्पेक्टर से छीनी गई रिवॉल्वर को बरामद कर लिया गया है। उनका कहना है कि पुलिस टीम पर हमला करने वाले आरोपियों के साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हिरासत में लिए गए हमलावरों के खिलाफ NSA और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। खबर की जानकारी के हमारे साथ नितिन अग्रहरि जुड़ चुके हैं, संवाददाता। नितिन, कल रात जब पुलिस दबिश देने गई आरोपी को पकड़ने गई, तो वहां पे उनकी मां सहित कई महिलाओं ने उन पर ईंट और पत्थरबाजी से उन पे ही हमला बोल दिया। क्या कहना है आपका इस पर और क्या जानकारी है? जी बता दें, उत्तर प्रदेश की कौशाम्बी कड़ाधाम कोतवाली बीती रात कई घरों की चोरी घटनाओं हमला कर दिया। नितिन, पुलिस व्यवस्था मतलब इतनी लचर है कि मतलब हमलावर जो लोग हैं वो ही हमला पुलिस पे कर दे रहे हैं। क्या कार्रवाई आगे इसमें की जा रही है? अब नितिन, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? आज हमारे एक थाना कड़ाधाम की पुलिस बगल के ही थाने सैनी थाने के गांव नरसिंहपुर कछुआ में दबिश देने गई थी, और उस दबिश के दौरान कुछ अराजक तत्वों ने पुलिस पर हमला कर दिया और हमारे जो सब इंस्पेक्टर हैं उनकी पिस्टल छीन ली। तत्काल हम लोगों ने वहां एक्स्ट्रा फोर्स बुलाकर सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी की, और उसके अलावा जो हमारी छीनी हुई पिस्टल थी उसको हम लोगों ने बरामद कर लिया है। इन अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा लिख के हम लोग आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं, और इन पर हम लोग NSA की भी कार्रवाई करेंगे, ताकि ये एक मैसेज पब्लिक को क्लियर रहे कि जो सरकारी ड्यूटी के दौरान जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उन पर अगर किसी प्रकार का हमला होता है तो कठोर कार्रवाई की जाएगी।